देश में इन दिनों जांच एजेंसियां काफी सक्रिय हैं। लगातार बड़े बड़े नेताओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में देश में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यूपी में भी ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। यहाँ के कई शहरों में आयकर विभाग की टीमों की छापेमारी के चलते हड़कंप मच गया है। सबसे पहले बात झांसी की करते हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी के पूर्व MLC श्याम सुंदर सिंह पर रेड का चाबुक चला है। उनके घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी है। इसके अलावा झांसी में ही आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारियों के घरों और ऑफिसों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। सपा नेता श्याम सुंदर सिंह सहित झांसी के कई कारोबारियों के यहाँ IT की रेड जारी है। इनकम टैक्स चोरी की सूचना मिलने के बाद कानपुर, आगरा और झांसी सहित इनकम टैक्स की कई टीमों ने झांसी में नामचीन कारोबारियों के यहाँ छापे मारे। जानकारी के अनुसार झांसी में आयकर निदेशालय कानपुर कई दिनों से बिल्डर और कारोबारियों की रेकी कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी किसी को भी भनक नहीं लगने दी। जब पूरा रिकॉर्ड जुट गया उसके बाद ही छापेमारी की पूरी योजना तैयार कर ली गई। जानकारी के अनुसार एक हफ्ते से आयकर विभाग की 3 टीमें झांसी में डेरा डाले हुई थी। अब आपको झांसी और कानपुर में पड़ी रेट को जो कड़ियां जोड़ती हैं उसके बारे में बताते हैं। दरअसल आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह कानपुर में रियल स्टेट के बड़े कारोबारी राकेश यादव के घर पर छापा मारा और माना जा रहा है कि कारोबारी राकेश यादव के घर पर हुई कार्रवाई को झांसी में हुई रेड से जोड़ा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार राकेश यादव की रियल एस्टेट कंपनी घनाराम इंफ्रा से संबंधों की बात सामने आ रही है। सूत्रों का दावा है कि घनाराम इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता श्याम सुंदर यादव की है। उन्होंने बुंदेलखंड में कई डैम बनाए हैं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के नफसील धाम में राकेश यादव के घर के भीतर छापेमारी की कार्रवाई की गई और आयकर विभाग की 3 टीमों ने घर के भीतर दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। वहीं आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात रही। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।